धर्म प्रेमी सज्जनों, विश्ववासियों, आज 15 अगस्त है 2020 का और हम और आप सब लोगों ने मिलकर 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी लाल किला के प्राचीर से संपूर्ण देशवासी ही नहीं अपितु विश्ववासियों ने भी सुना है। पिछले 15 अगस्त को मैंने एक मौलाना को वैदिक धर्म में दीक्षा दी, उसका वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाया था। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जो काम है, मैं ऐसे संपूर्ण भारत के सभी प्रांतों में अपने शिष्य मंडली को तैयार किया है। ये जो वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये वीडियो है हमारा एक शिष्य गणेश दास जी का। गणेश दास ये है आसाम के रहने वाले और इन्होंने आसामीज भाषा में ही बोला है। और किस तरीके से इन्होंने अपने को तैयार किया है वो आप लोग सुनेंगे। आसामीज भाषा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे आसामीजों को छोड़कर, और उसमें बीच बीच में मैं आप लोगों को ये बोलता जाऊंगा वो बोल क्या रहे हैं, जिसमें हिंदी और बंगला दोनों में बोलूंगा और आप लोग भी सुन करके ये एहसास करेंगे कि किस तरीके से संपूर्ण भारत भर में हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए। पर इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, जब हाथी सड़क पे चलता है ना, तो पीछे कौन भौंकते रहते हैं? ऐसे भौंकने वालों की भी तादाद कम नहीं है। अभी नासिर कुरैशी के ऊपर जो वीडियो, जो यथार्थ चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो जानता नहीं है कुछ फिर भी डिंग हाँकता है, आज उस मेरे वीडियो के जवाब में एक टटपुजिया कुछ बोल रखा है। इसीलिए मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि हाथी जब चलता है सड़क पे, हाथी के चलने से या हाथी के निकलने से पीछे भौंकने वालों की भी संख्या कम नहीं होती, भौंकने वालों की भी तादाद कम नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार रहे हैं हिंदू। अब बेंगलोर की घटना अभी अभी हमारे और आपके सब भारतवासियों के सामने, सभी भारतवासियों ने देखा है इसको कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। तो आइए सुनते हैं हम भाई गणेश जी, यहीं से शुरू कर रहे हैं कि मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से क्या सीखा, जो मेरे गुरु जी हैं उनसे मैंने क्या सीखा, ये बता रहे हैं। आइए सुनिए ध्यान से। नमस्कार भाई बंधु सकल, हमारा हम बाकी समस्त राइजक नमस्कार। परम पिता ईश्वर दया दृष्टि सबर ऊपर हक। আজি মই কিছু কথা আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰিছোঁ, ক'ব পাৰিছোঁ। আমাৰ গুৰুজীৰ দয়া আছে মোৰ ওপৰত, মই শিকিব পাৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা শিকি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দিব পাৰিছোঁ। পণ্ডিত মহেন্দ্ৰ পাল আৰ্য জী মোৰ গুৰুজী হয়। ইন্হে সৰ্বপ্ৰথম সবক ভাই বন্ধু কো নমস্তে, মাতাও কো নমস্তে কহকৰ ইন্হে ইয়ে বতায়া হে। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है जिससे कि मैं अपने गुरु महेंद्रपाल आर्य जी से इस वैदिक संस्कृति को जाना है, सीखा है, पाया है, जिस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, कुछ उपदेशात्मक बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये बोला गुरु जी है, तेरह किसी ज्ञान पाए
আজি মানৱ সমাজ দিগ্ভ্ৰমিত হৈ আছে ধৰ্মৰ নামত, কোনো সত্যৰ সঁচা বিচাৰ কৰা নাই। इन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुजी से सत सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान पाया हूँ। आज मानव समाज में जो दुविधा है, मानव समाज में धर्म के नाम से जो तांडव लोगों ने मचा रखा है, मैं उसी संदर्भ में आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आज धर्म के नाम से लोग क्या कर रहे हैं। मत मज़हब को धर्म कहकर एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कैसे है, कौन है वो मत मज़हब, आप लोग भी सुनिए और आहिस्ता आहिस्ता विचार करते रहिए जो विचार मैं दे रहा हूँ। মানৱকৃত যিমান খিনি আছে, মানৱকৃত যিমান আছে গ্ৰন্থৰ পিছত সব ভাই আমাৰ পঢ়ি আছে। কোনোবা খ্ৰীষ্টান হৈ গৈছে, কোনোবা মুছলমান হৈ গৈছে, কোনোবা বুদ্ধিষ্ট হৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা কি, এইবোৰ মানৱকৃত, এইবোৰ মত মতান্তৰৰ গ্ৰন্থৰ জন্মদাতাৰ আগত তেখেতৰ গ্ৰন্থ নাছিলে। কিন্তু হজৰত ঈছা মছীহ আহিছে, যীশুখ্ৰীষ্ট অহাৰ পিছত বাইবেল আহিছে, কিন্তু হজৰত মোহাম্মদ চাহাবৰ পাছতো কোৰাণ। কিন্তু আমাৰ বেদ, আদি সৃষ্টিৰ পৰা এখন বেদেই আছে। এখন বেদক চাৰি ভাগ কৰা হৈছে, কৰ্মৰ কাৰণে, জ্ঞানৰ কাৰণে, উপাসনাৰ কাৰণে। ইহঁতে বোলা হে কি আজ মানৱ সমাজ মত মতান্তৰ মে বটা হোৱা হে। হজৰত ঈসা মছীহ জব ধৰতী পৰ নহীঁ আয়ে থে উস সময় বাইবেল নহীঁ থা। ঈসা কে আনে কে বাদ বাইবেল আয়া হে, হজৰত মোহাম্মদ চাহাব কে আনে কে বাদ কোৰাণ আয়া হে। लेकिन हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो आगे से है, सृष्टि के आदि से है, और वेद से हटने के बाद ही ये सब मानव समाज में वैमनस्यता पैदा हुआ है। विज्ञान और कारण है, विज्ञान परमपिता ईश्वर और डांगर ज्ञान, तार बाहिरे कोनो ज्ञान ना है। आज सूर्य चंद्र नामत काजिया हुआ ना, किंतु काजिया हुई ईश्वर नामत। आज गोटे पृथ्वी, এই প্রকৃতি, ঈশ্বর, জীব, তিনটা অনাদি তত্ত্ব। সূর্য চন্দ্রমাস ধাতা যথা পূর্বম কল্পায়াত, আগতো আসলে এতিয়াও আছে, আগলৈকেও থাকিব। যার আদি আছে তার শেষ আছে, যার আদি নাই তার অন্ত নাই। ইনোনে বোলা কে সত্য সনাতন বৈদিক ধর্ম আদি সৃষ্টি সে হ্যাঁ। ये सब लोग जितने का नाम लिया गया, इनके आने से ही ये मत मतांतर पैदा हुआ है। मानव मात्र के अंदर में इसमें बखेड़ा हुआ है, जिसके कारण आज मानव समाज एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार हैं। आदि सृष्टि से वेद है, वैदिक धर्म भी आदि सृष्टि से है, लेकिन ये जितने भी मत मज़हब वाले हैं आदि सृष्टि से इनमें से एक भी नहीं है। ঈশ্বর জ্ঞানত পরিপূর্ণ, তেওঁ তিনি গুণ সত চিত আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দ স্বরূপের কারণে তেওঁ নিরাকার। জীবাত্মা কেবল দুই গুণ, দুই গুণ কেনেকুৱা, জীবাত্মা সত আর চিত। আপনি চাব পশু পক্ষীর পৰা ধরে মানব আদি করে যিমান আছে সবর জীবনত দুঃখ হয়, কিন্তু দুঃখের কারণে কোনো দুঃখের সামনা করব লাগে সবে। আর প্রকৃতি কেবল সত, এক গুণ প্রকৃতি। এই জীব আত্মায় নিজের অন্ধকার, নিজের ভিতর দুঃখ দূর করার কারণে হ্যাঁ। ये त्रैतवाद के ऊपर बोल रहे हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों अनादि तत्व हैं और आदि सृष्टि से है, अंत तक रहेगा। ईश्वर में तीन गुण है, जीवात्मा में दो गुण है और प्रकृति में एक गुण है। परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीव आत्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। ये ईश्वर परमात्मा के सानिध्य लाभ करने इसलिए चलते हैं कि परमात्मा ज्ञानपूर्ण है, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और परमात्मा को छोड़कर ये मानव अगर प्रकृति की तरफ जाता है तो वो ज्ञान शून्य हो जाता है, অজ্ঞানতা কো জড়তা কো প্রাপ্ত কৰতা হে। ঈশ্বৰক বিচাৰে আৰু মানৱৰে ইমান সামৰ্থ্য আছে, মানৱকে ইমানখিনি ঈশ্বৰে দিছে যে তোমালোকে পাৰিবা। কি কাৰণে, যোনে পৰমপিতা ঈশ্বৰৰ গুণ ধাৰণ কৰিছে তেওঁ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ বুলি কৈছে। এইটো কাৰণে আমাৰ বেদ বেদান্তৰ দৰ্শনতো কৈ দিছে, আহাম ভূমি মাদাদাম আৰিয়হ,
এই ভূমি মই আৰি এক দিছোঁ, পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ বাণীত আহিছে। আমাৰ ঋষি মুনিয়ে কৈছে, আমাৰ আজি ভাৰতবৰ্ষত যিমান আছে কোনো ক'ব নোৱাৰে, দলিল দিব নোৱাৰে যে মই খ্ৰীষ্টান জন্মগত, মই মুছলমান নহয়। চবক কওঁ মই, আৰে তোমালোকে ঋষিৰ সন্তান, ৰাম কৃষ্ণ মহাপুৰুষৰ সন্তান, তোমালোকে আৰে উঠা, এইবোৰ দিনহীন হৈ পৰি আছা, এইবোৰ মানৱকৃত যিমান আছে চবৰ পিছত পৰি আছা তোমালোকে। যদি আল্লাহ সৃষ্টিৰ মালিক হ'লেহেঁতেন সূৰ্যই প্ৰকাশ দিবলৈ কাৰো লগত ভেদভাৱ কৰিছে? প্ৰাণী মাত্ৰ সমান দি আছে, সেইটো কথালে কোনো মানুহে চিন্তা কৰা নাই। যদি সূৰ্য আল্লাহে বনালেহেঁতেন আমিতো কাফিৰ হয়, কোৰাণৰ মতে, কোৰাণৰ মতেতো আমি কাফিৰ হয়। আমাক কি কাৰণে দি আছে আল্লাহ, আল্লাহে আমাক কি কাৰণে দি আছে? আমিতো কাফিৰ হয়। বাছ, কোৰাণক জানিয়ে কৈ আছোঁ, নাজানি কিনে নকওঁ। কোৰাণৰ এটা আয়াতে বাছ মই প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, সূৰা আল বাকৰাহ আয়াত নম্বৰ 98 পৰা আপুনি চাব। মান কানা আদুবল ইল্লাহি ৱা মালাইকাতিহি ৱা ৰুসুলিহি ৱা জিব্ৰাইল ৱা মিকাইল ফাইনাল্লাহু আদুবুলিল কাফিৰিন। জিব্ৰাইল মিকাইল নামী ফৰিস্তাক নামানে, হজৰত মহম্মদ চাহাবক নামানে, আল্লাহক নামানে, সি কাফিৰ হয়। যদি এই পৃথিৱী, এই সৃষ্টিকৰ্তা আল্লাহ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমিতো কাফিৰ হয়। যিমান গেৰ মুছলমান আছে চব কাফিৰ হয়, যোনে আল্লাহক নামানে। আমাৰ হিন্দু সমাজেও নামানে, বুদ্ধিষ্টেও নামানে, খ্ৰীষ্টানেও নামানে, কোনেও নামানে, চব কাফিৰ হয়। সেই কাফিৰৰ কাৰণে আল্লাহৰ সূৰ্যই প্ৰকাশ কি কাৰণে দি আছে, কি কাৰণে পৃথিৱী দি আছে, এই চলিবলৈ আমাক কি কাৰণে দি আছে? আল্লাহৰ সৃষ্টি যদি হয় আমাকতো দিব নালাগিছিলে। আৰু আপোনালোকে চাওক, পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ সৃষ্টিলে চাওক, তেওঁ পৃথিৱীত চলাৰ কাৰণে জ্ঞান দিছে, যাক আমি বেদ বুলি কওঁ। যেনেকুৱা দেখাৰ আগত সূৰ্য দিছে, পিয়াসৰ আগত পানী দিছে, আৰু পৃথিৱীত চলাৰ কাৰণে জ্ঞান দিছে। আদি সৃষ্টিত চবে, আমি চব প্ৰাণী মাত্ৰই এই পৃথিৱীৰ পৰাই জন্ম লৈছিলোঁ, যেতিয়া অমাথনী সৃষ্টি আছিলে, মেথনীয়া নাছিলে তেতিয়া সৃষ্টি। তাৰ কাৰণে এই ধৰতীক, পৃথিৱীক মা বুলি কোৱা হৈছে। পৃথিৱীক মাৰ কোৱা কাৰণ এইটোৱে হয়, চবে আমি আদি সৃষ্টিত, আমি এই ধৰতী পৃথিৱী মাৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম লৈছিলোঁ। এতিয়া জন্মদায়নীক মা কওঁ আমি, এতিয়া বেলেগ যদি কোনোবাই কিবা কয় এইটো তেওঁলোকে বুজি পায়, আমিতো এইখিনি ক'বলৈ নোৱাৰোঁ। আজি কিছুদিন পূৰ্বৰ পৰা আপোনালোকে দেখি আছে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় খোৱাংঘাটৰ এজন ল'ৰা হেমন্ত গগৈ, তেওঁ নিজক হিন্দু বুলি কয়, হিন্দু বুলি কৈ তেওঁ খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি চব আমাৰ মানৱ সমাজক দিগ্ভ্ৰমিত কৰি চবক খ্ৰীষ্টান বনাবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাইছে। মই তেওঁক ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁক কৈছিলোঁ যে তুমি যে এই খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লোভ দেখাই দেখাই মানুহবোৰক যে কনভাৰ্ট কৰাই আছা, তুমি কি পাইছা? যে মই বহুত কিবা পাইছোঁ, তুমি যদি বহুত কিবা পাইছা। ডিব্ৰুগড় আসাম কে ডিব্ৰুগড় জিলা মে কই হিন্দু পৰিবাৰ কে লোক ঈসাই বন গে হ্যাঁ, আর ইয়ে উনহে দাওয়াত দে রহে হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ দে রহে হ্যাঁ কি ভাই তুম হিন্দু হোকর কে ঈসাই বন গে আর ঈসাইয়ত কা প্রচার কর রহে হো, আও মে তুমে চুনৌতি দে রহা হুঁ কি আগর তুমারা পরমাত্মা ইয়া আল্লাহ ইস দুনিয়া কা বানানে ওয়ালা হ্যায় সূরজ, তো আল্লাহ কেবল মুসলমানো কো দেতে, হম হিন্দু হ্যাঁ হম কাফির হ্যাঁ হমে কেউ দিয়া, আগর ইহোবা বানানে ওয়ালা হতা তো কেবল ঈসাইয়ো কো দেতা, হমে কেউ দেতা, এ উন ঈসাইয়ো কো ঈসাইয়ো কে সাথ ইয়ে লোহা লেকর কে কাম কর রহে হ্যাঁ, জো হিন্দু ঘরানে কে লোক কুছ লোভ ও লালচ কে বশীভূত হোকর কে জো ঈসাই বন গয়ে হ্যাঁ উনকে লিয়ে ইয়ে বড়া প্রয়াস চল রহা হ্যায় ইন গণেশ জি কা কি ও কিস তরিকে সে ইসি সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মে বাপস আয়ে আর ঈসাই লোক ইনকে সামনে নিরুত্তর কিস তরিকে সে হুয়ে হ্যাঁ, কিস প্রকার হুয়ে হ্যাঁ, ঈসাইও কে পাস কোই জবাব নেই, তো ইসি সন্দর্ভ মে ও উনে সম্বোধিত কর রহে হ্যায়। তুমি পাইছা, তুমি ৰাখা, তুমি সমাজক দিগ্ভ্ৰমিত তুমি কি কাৰণে কৰি আছা, এইটোতো তুমি কৰিব নালাগে। তেতিয়া তেওঁ মোক বেদ পঢ়ি শুনালে, ঋগবেদৰ এটা মন্ত্ৰ পঢ়ি শুনালে, ওম কইনাকাই নম ওম শুকানাই নম, মই বোলো বেদত এইবোৰ কোনো কথা নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, মই তোক মানাও কৰা নাই। মই কৈছোঁ আপুনি বেদ পঢ়াওক, বেদৰ প্ৰচাৰ কৰক, আপুনি আমি মানা নকৰোঁ, কিন্তু সত্য
সত্য যোনটো আছে সেইটো মানৱ সমাজৰ ওচৰত আপুনি ৰাখক, অসত্যটো ৰাখি এনে আমাৰ সমাজ বহুত দিশ ভ্ৰমিত হৈ আছে আৰু আপুনি ভ্ৰমিত নকৰিব। আপুনি বেদৰ কথা কওক, আচলটো কওক যোনটো প্ৰকৃত হয়। আরে বেদ পড়ার আগর, বেদ পড়ার আগত অষ্টাধ্যায় শিকিব লাগিব, বেদর আটটা স্টেপ আছে, সেই সাবজেক্ট ক্লিয়ার করব লাগিব, তারপর বেদক বুঝি পাব। বেদ ইমান সহজ নহয়, বেদ ইমান সহজ নহয়। মনুষ্য জীবনত জ্ঞান প্রাপ্তি করবলে একমাত্র বেদ আছে, আর কোরআনের মানে কালাম বলে কইছে। আমি তো ঈশ্বরের জ্ঞান বলে কো, ঈশ্বরের বাণীও নকো। যদি ঈশ্বরের বাণী হয়ে যায় বেদ, তেতিয়াহলে ঈশ্বর ঈশ্বর নিরাকার নহব, ঈশ্বরের জ্ঞান বলি কো। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ঋষি মুনির মুখার বিনর পরা মানব সমাজে পাইছিলে। আর বেদোঁ কে তরফ লোটনে কা ইশারা ইনোনে কিয়া হ্যায় কি বেদ ঋষি মুনিয়ো কে দ্বারা মানব সমাজ কো মিলা হ্যায় আর বেদ সে দূর হটনে কে বাদ হি ইয়ে মত মতান্তরোঁ কা জন্ম হুয়া। लोग वेद वेद चिल्ला रहे हैं, जो लोग वेद को पढ़े नहीं, देखे नहीं, जानते भी नहीं है, क्योंकि वेद पढ़ने से पहले अष्टाध्यायी व्याकरण आदि महाभाष आदि को भी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लोग अष्टाध्यायी को पढ़े नहीं, अष्टाध्यायी को जानते भी नहीं है और वेद पढ़ने चले हैं, इससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। विशेष करके हम सत्य सनातन वैदिक धर्मियों को सचेत होना पड़ेगा, तभी हम अपने संस्कृति के मानने वालों को उनकी रक्षा कर पाएंगे। अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अपने घराने वालों को ईसाई और मुसलमान बनने से बचाने के लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। अगर सब मिल करके हम एकजुट होकर के इस काम को करते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म का उजागर करने में अपनी तत्परता दिखाते हैं, तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा हो सकती है। वरना ये ईसाई और मुसलमान हमारे घराने के लोगों को लोभ और लालच दे करके कोई ईसाई बनाने लगे हैं, कोई मुसलमान बनाने लगे हैं। हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा सच क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। सत असत के बेस पर ही हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। इन ईसाइयों से जब हम सवाल करते हैं तो वो निरुत्तर रहते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मुसलमानों के सामने भी जब सवाल प्रस्तुत करते हैं तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता, सब अपना पिंड छुड़ाकर भागने लगते हैं। इस तरीके से ये रोज़ाना आए दिन मेरा काम चल रहा है संपूर्ण आसाम में। इसीलिए मैं आसामी लोगों को, जो आसाम के मूल निवासी हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए ये ईनाई ईसाई और मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो तर्क के कसौटी पर खरा उतर रहे हैं। उनसे हम पूछे तो सही, हमारे सवालों का जवाब उनके पास है। हमारे सवालों का जवाब जब नहीं है उनके पास और ना जवाब दे पाते हैं, तो ऐसे ईसाई और मुसलमान हमारे घराने के लोग क्यों बनने जा रहे हैं। इन्होंने यही बताया कि आदि सृष्टि से वेद है, जब से सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल धरती जब से है तब से वेद है, तब से सत्य सनातन वैदिक धर्म भी बरकरार है। लेकिन उन दिनों में ना तो कोई ईसाई था, ना कोई बौद्धिस्ट था, ना कोई जैनी था, ना कोई मुसलमान, ये तो जन्म हुए हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो जन्म लेंगे उन्हें मरना भी पड़ेगा। जो ईश्वर प्रकृति और जीव, ये तीनों अनादि तत्व हैं, इसीलिए ये अनादि तत्व होने के कारण इनकी मौत नहीं होती, इनका खात्मा नहीं होता, ये समाप्त नहीं होते। ठीक इसी तरीके से जैसे ईश्वर प्रकृति जीव अनादि हैं, अविनाशी हैं, ऐसा ही सत्य सनातन वैदिक धर्म भी अनादि हैं और अविनाशी हैं। इसका नाश होना संभव नहीं है। हम सब आर्यजनों को आगे आना चाहिए, हम आर्य कहलाने वालों को इस वेद के सानिध्य में आकर के ही हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मैं आसाम वासियों से
विशेष करके ये निवेदन करूँगा कि आप लोग भी गणेश जी की बातों को समझने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके इनका सहयोग करें कि जिससे हमारे घराने के लोग ईसाई और मुसलमान होने से बचे। আনক তো সিধাই কৈ আছে আল্লাহর কালাম বুলি আল্লাহ কোৱা কথা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰিব, আমাৰ যিমান সমাজ আছে, যদি কোরআনখন আল্লাহরে কালাম হয় তেতিয়াহলে আল্লাহ যে কৈ আছে বিসমিল্লাহ রহমানে রহিম, আল্লাহ কোন আল্লাহর নামত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে? যদি কালামুল্লাহ হয়, আল্লাহরে কালাম হয়, তেনেকুৱা কথা আছে, বহুত আছে। খ্ৰীষ্টিয়ানিটিতো চাব, বাইবেলতো চাব, কোরআনতো চাব, যিমান মানবকৃত গ্রন্থ আছে কোনো গ্রন্থই এটু সঠিক উত্তর দিবলৈ সক্ষম নহয়, কেতিয়াও নহয়, কেতিয়াও নহয়। আজি কেইদিন আগত মই মামত আলী বুলি বাইহাটা চাৰিআলিৰ মুসলিম ভাই এজনৰ লগত মোৰ কথা হৈ আছিলে ফোনত। কথা হৈ থাকোঁতে মই তেওঁক কালামুল্লাৰ ওপৰতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁক সুধিছোঁ, ভাই ইছলাম আহিছে কেতিয়া? 1450 বছৰ পূৰ্বেতো ইছলাম আহিছে। ক'লে, নাই নাই, প্ৰথম মানুহে যেতিয়া খোজ দিছে তেতিয়া আহিছে। মই বোলো, প্ৰথম মানুহে খোজ পৃথিৱীত কেতিয়া দিছিলে, ডেটটো দিয়া। কয়, নাই নাই, সেইটোতো দিব নোৱাৰিম, সেইটোতো আপুনি মানিব লাগিব। বোলো, কেলে মানি ল'ম, কেনেকুৱাকৈ মানি ল'ম ভাই? আপুনি যদি কয় ইয়াতে কিবা এটা হৈছে, তথ্য প্ৰমাণ যদি দিব নোৱাৰে, এইটোতো মান্যতা নহয়। আমাৰ 124,000 পেগম্বৰ আহিছে, আহি প্ৰচাৰ কৰিছে। বোলো, 124,000 পেগম্বৰৰ নাম কোৱা। বোলো, কোরআনত 25টা আছে। বোলো, 25টাৰ নাম কৈ দিয়া। 25টাৰ নামো ক'ব নোৱাৰে। আৰু আল্লাহ যদি জ্ঞানত পৰিপূৰ্ণ হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 4খন কিতাপ দিবলৈ কি দৰকাৰ আছিলে? তৌৰাত দি দিলে, কেতিয়াবা জবুৰ দি দিলে, কেতিয়াবা ইনজিল দি দিলে, লাষ্টত আল্লাহৰ কি হ'ল? মহম্মদক কোরআন দি দিলে। আল্লাহ যদি জ্ঞানত পৰিপূৰ্ণ হ'লে, কিছু ইছলাম के मानने वालों से इनकी चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि अल्लाह का कलाम अगर कुरान है तो अल्लाह ने तो कुरान को शुरू किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। तो अल्लाह ने शुरू किया, किस अल्लाह के नाम से शुरू किया? तो हज़रत मोहम्मद साहब से पहले कहाँ था, कोई था, कौन था इस्लाम? तो 124,000 या 224,000 पैगंबर आप बता रहे हो, तो 124,000 पैगंबर अल्लाह को भेजने की आवश्यकता क्या थी? क्या अल्लाह मानव मात्र को ज्ञान नहीं पहुंचा पाते थे, नहीं पहुंचा पा रहे थे? अल्लाह को पैगंबर भेज करके ज्ञान पहुंचाना पड़ा, फिर अल्लाह को ज्ञान भी बदलना पड़ा। अल्लाह ने ज्ञान भी बदला है, तौरात दिया, जबूर दिया, इंजील दिया, उसके बाद कुरान दिया। अल्लाह को भी ज्ञान बदल बदल करके देना पड़ा, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए और ना जवाब है इन लोगों के पास, यानी इस्लाम वालों के पास भी कोई जवाब नहीं है, ईसाइयों के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्मियों से कि इन ईसाइयों और मुसलमानों से बचने के लिए एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है, वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में आने के बाद, वैदिक संस्कृति को जानने पर ही आप इन सब लोगों को मात दे सकते हैं। ये गणेश जी जब मेरे से जुड़े हुए नहीं थे तो इन्होंने नहीं जाना था, और मेरे से जुड़ने के बाद ही इन सब चीज़ों को इन्होंने जाना है। और एक केवल एक गणेश नहीं, ऐसे कितनों को मैंने तैयार किया। मैं एक नमूना आप लोगों को और देना चाहूँगा एक दो दिन में, जो सत्या प्रकाश को 10 समुल्लास जिनको कंठस्थ है वेद मंत्रों के साथ, मैं उनको भी सामने प्रस्तुत करूँगा और किस तरीके से अपनी तैयारी उन्होंने की है वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, कैसे काम कर रहे हैं हमारे बनाए हुए लोग, वो मैं एक एक करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और संदीपन रॉय जी का भी एक वीडियो और आया है, वो भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा एक दो दिन में। आज गणेश दास जी के इन विचारों को संपूर्ण भारत भर में पहुंचाने के लिए आप लोगों पर ये दायित्व तो मैं दे रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, इसको विचार करिए, मंथन करिए। आसामीज, आसाम के निवासी लोग, आसामी भाषी लोग, मैं
आसामी भाषी तो पूरा नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा जैसा जानता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से आप लोगों को हिंदी में बोल करके भी दिया, ताकि लोग ये ना सोचें कि ये क्या कुछ बोल गए, हमने कुछ समझा नहीं। तो आप लोगों को समझने के लिए मैं इसका सरलीकरण करते हुए हिंदी में भी बोल गया। तो आप सब लोगों से मैं विनती करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तक पहुँचाइए। आई कैन बिल दबाना न भूला, इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस 15 अगस्त के स्वाधीनता दिवस पर एक नमूना ये मैं प्रस्तुत किया हूँ। पिछले साल भी एक नमूना ऐसा ही इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम जगत का एक आलिम आप लोगों ने देखा होगा, जो हाफिज, कारी, मौलवी, जिनको मैं वैदिक धर्मी बनाया हूँ, जो वैदिक धर्म के आगोश में आ गए हैं, मैं पिछले 15 अगस्त को दिया था, आज मैं इस तरीके से गणेश जी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग भी इसको सुनिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आगे आइए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।